हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मैं बना रही हूँ तंदूर चिकन सैंडविच। इसके लिए मैं ली हूँ 200 ग्राम बोनलेस चिकन, हंकर्ड ऑयल, ग्रीन चिल्ली, गरम मसाला, नमक, हल्दी, कस्तूरी मेथी, रेड मिर्च, हाफ लेमन, चाट मसाला, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड तंदूर मसाला। ओके, एंड इसे हम लोग अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ फिर से इंग्रेडिएंट्स जो मैं यूज़ की हूँ। एंड चले जल्दी जल्दी इसको मिक्स करते हैं। ये हो गया मिक्स एंड अब इसे मैरिनेट करना 10 मिनट्स एंड इसे कोल्ड इफेक्ट देना लगभग 1 मिनट तक। ये हो गया एंड अब कढ़ाई में ऑयल ऐड करना और ये चिकन मैरिनेट किए थे वो भी ऐड करना हम लोग को एंड इसको 3 to 4 मिनट्स इसको कुक करना है एंड इसमें फिर चॉप्ड ओनियन ऐड करना है। 2 मिनट तक इसको पकाना है। एंड फिर 1/2 टीस्पून गरम मसाला हम लोग ऐड करेंगे। एंड फिर हम लोग को गैस ऑफ कर दे। एंड ये मिल रही हूँ ब्रेड का स्लाइस, इसमें बटर ऐड करना है। ये देखिए मैं बटर ऐड कर दी हूँ, ये मैं अमूल का बटर यूज़ कर रही हूँ। एंड फिर आपको इसमें मेयोनीज ऐड करना है, वो आप देख लीजिएगा आपको कितना लेना है बिकॉज आपको अपना हेल्थ भी देखना है। एंड ये बस हो गया। एंड ये जो हमने स्टफिंग किया था उसको ऐड करना है। ये ओनियन, कैबेज और ये चीज़। ये भी हो गया चिकन, ऑनियन एंड कैबेज एंड चीज़ स्लाइस। ओके, और इसके ऊपर हम लोग को बटर अप्लाई करना है। एंड ये हम लोग तावे में लिए हैं, तावे में इसको गोल्डन कलर आने तक इसको कुक करना है। और ये देखिए अब हमें क्या करना है, ऊपर से बटर अप्लाई करना है। बटर पे ज़्यादा नहीं लगाना है, मैं तो ज़्यादा नहीं लगाई, अब आप लोग देख लीजिएगा। आप जितना खाते हो उतना आप लगा सकते हैं। एंड ये वाओ ब्यूटीफुल, ये हो गया वन साइड हो गया, अब ये दूसरा साइड हो रहा है। चलिए अब ये हो गया,
मैं इसे कट करती हूँ। ये देखिए कट करने के बाद इसका लुक ऑसम। और चलिए मैं प्लेटिंग करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।